गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस एलो बेन मोजाइक ऑफ ओकरा आर भिंडी. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर प्रेमचंद सिंह मौर्य, इस समय डिजीज एलो बेन मोजाइक ऑफ ओकरा भिंडी का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें नेम ऑफ ओकरा या नेम बॉटनिकल नेम ऑफ ओकरा, ओकरा या भिंडी का बॉटनिकल नेम क्या है, उसको कहते हैं एबुलमास्कस एस्कुलेंटस. क्या बोलते हैं उसको? एबुलमास्कस एस्कुलेंटस कहते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यह डिजीज सबसे पहले कहां कहां पाई जाती है, इस डिजीज को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एलो बेन मोजाइक इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ ओकरा इन इंडिया. यह भारतवर्ष की भिंडी की सबसे सीरियस बीमारी होती है, सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, यह वायरस के द्वारा होता है. अधिकतर भिंडी के केस में आप देखते होंगे, जहां भिंडी में, टोमेटो में, पोटैटो में, टुबैको या बहुत सारे वायरल, चीली में बहुत सारे, जहां पे वायरल, पपाया में बहुत जगह वायरल का इन्फेक्शन होता है. तो सबसे पहले भारतवर्ष में यह डिजीज पहली बार 1924 ईस्वी में रिपोर्ट की गई थी. कब रिपोर्ट की गई थी? 1924. इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1924, या पहली बार 1924 ईस्वी में रिपोर्ट की गई थी. प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विद 35 डेज आफ्टर जर्मिनेशन, और यह अधिकतर बीमारी 30 से 35 दिन के बाद, बुआई के 30 से 35 दिन के बाद जब भिंडी आपका बड़ा हो जाता है, उस समय इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है. यील्ड लॉस में भी 49% या 94% करीब करीब लास्ट 94% के आसपास में हो जाता है. ये मान के चलिए भिंडी में जो फ्रूटिंग होती है वो हो ही नहीं पाती है, छोटे छोटे प्लांट डिस्कलर रह जाते हैं, पत्तियां क्रिंकल बन जाती हैं, डिस्कलर हो जाता है, क्लोरोसिस क्रिया हो जाती है, इस तरह उसके सिम्टम बहुत सारे बनते हैं. पहली बार यह डिजीज 1924 ईस्वी में रिपोर्ट की गई थी. भारतवर्ष में सबसे सीरियस डिजीज में भिंडी की सबसे सीरियस बीमारी होती है, और यील्ड अधिकतर 94% के आसपास इसका नुकसान होता है. राइट, सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम्स ओकरा सफर फ्रॉम टू मोजाइक सिम्टम डिजीज. देखिए, दो तरह के सिम्टम डिजीज में बनते हैं. भिंडी के केस में दो तरह के सिम्टम्स बनते हैं. पहला होता है कि वन ऑफ द ओकरा मोजाइक रिपोर्टेड ओनली फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका. एक प्रकार का जो ओकरा में मोजाइक रिपोर्ट किया गया वो पहली बार वेस्ट अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया. और भारतवर्ष में जो डिजीज लगती है कि एलो बेन मोजाइक रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका. एलो बेन मोजाइक है, जो पीला मोजाइक हुआ है, वह सबसे पहले भारत में रिपोर्ट किया गया था, वह उसके साथ श्रीलंका में भी यह डिजीज दिखाई देती है. इसके दो सिम्टम बनते हैं, एक एलो बेन मोजाइक बनता है, एक सिर्फ मोजाइक पर लगता है. तो जो मोजाइक ओनली लगता है वो अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था, और एलो बेन मोजाइक जो पीले कलर में मोजाइक लगता है उसको इंडिया में रिपोर्ट किया गया था. राइट, द मेन सिम्टम्स ऑफ मोजाइक आर वेन्स क्लियरिंग एंड वेनल क्लोरोसिस ऑफ लिप्स. जो मेन सिम्टम होता है, कैसे लक्षण पहचाने जाते हैं, जैसे जो मेन सिम्टम होता है मोजाइक का, वो वेन क्लियरिंग हो जाती है, जो नसें होती है मोटी मोटी हो जाती है, व्हाइट कलर की दिखाई देने लगती, पीले कलर में कुछ कनॉट हो जाती है. द येलो नेटवर्क ऑफ वेन्स इज वेरी कॉन्स्पिस्यूअस. जो येलो कलर होता है स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है, एंड वेनलेट्स आर थिकनेड, और उसकी जो नसें होती है वो मोटी मोटी दिखाई देने लगती हैं. जब क्लोसिस क्रिया होगी तो ऑटोमेटिक सेल सिकुड़ने लगेंगे, और जो वेन्स होंगी वो मोटी मोटी दिखाई देने लगेंगी. उसी को उन्होंने बताया कि कॉन्स्पिस्यूअस एंड वेनलेट्स आर थिकनेड, वह बहुत मोटी नसें हो जाती हैं. इन सीवियर केस, जब सीवियर केस होता है, इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर होता है, क्लोरोसिस मे बी कंप्लीटेड एलोइंग ऑफ द लिप्स, और क्लोरोसिस जो होती है येलो कलर में ही कन्वर्ट हो जाती है. द इन्फेक्टेड फ्रूट्स आर ड्वार्फ एंड येलोइश ग्रीन इन कलर, और जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और येलो कलर में होते हैं, अनमार्केटेबल हो जाते हैं, मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है या बहुत कम खरीदते हैं, क्योंकि पत्तियां जब छोटी हो जाएंगी, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी. अगर फ्रूटिंग होती भी है, बहुत छोटे फ्रूट्स बनते हैं और अन क्वालिटी के बनते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए मार्केट वैल्यू क्या होता है, डाउन हो जाता है. दूसरा कंडीशन था काजल आर्निजम. देखिए, जो काजल आर्निजम है वो कौन सा डिजीज काज करता है? वायरस, वायरस को कहते हैं विस्कस वायरस भी कहते हैं, वायरस फर्स्ट के नाम से भी यह डिजीज जानी जाती है, वायरस फर्स्ट.
नेचर ऑफ डिजीज सीड बॉर्न पैथोजन है, क्योंकि आप जानते होंगे कि तीन तरह से स्पोर तीन तरफ से फैलते हैं। कैसे होते हैं? सीड बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न होता है, एयर बॉर्न होता है। जो फर्स्टली वायरस इन्फेक्शन होता है वो कैसा होता है? सीड बॉर्न पैथोजन है, राइट। ट्रांसमिशन वायरस कभी अपने से ट्रांसमिशन नहीं होता, ये वेक्टर के द्वारा ही ट्रांसमिशन होता है। पर टेलो बेन मोजैक दो तरह से ट्रांसमिशन होता है। पहला होता है ट्रांसमिशन बाय ग्रेफ्टिंग, जो आर्टिफिशियल मेथड से होता है, जिसको हम प्रूनिंग कटिंग करते समय जो नाइफ हमारी होती है उसके द्वारा एक आसान से आसान फैल जाता है। एंड नेचुरल जो होता है ट्रांसमिशन बाई बेमेसिया टाइप्सी व्हाइट फ्लाई, का बॉटनिकल नेम जूलॉजिकल नेम बेमेसिया टाइप्सी है, या उसको हम कहते हैं व्हाइट फ्लाई। सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रांसमिशन व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है, और आर्टिफिशियल इन्फेक्शन टाइप्सिया सॉरी ट्रांसमिशन ग्रेफ्टिंग के द्वारा होता है, राइट। एपिडेमोलॉजी या डिजीज कब दिखाई देती है, कितने कब फैलती है? देखिए, द टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 degree centigrade, जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में जब यह टेम्परेचर रहता है तो बहुत तेज व्हाइट फ्लाई का इन्फेक्शन होता है, और यही व्हाइट फ्लाई एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैलाते हैं। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबव 40% आर कॉम्बिनेशनल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाइट फ्लाई एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज। उस समय व्हाइट फ्लाई बड़े पैमाने पे मल्टीप्लीकेशन होता है और एक आसान से दूसरे प्लांट पे या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इस डिजीज को एक एलोवेन मोजेक को फैलाता है। मैनेजमेंट कैसे करना है? रिमूव एंड डिस्ट्रॉय डिजीज अफेक्टेड प्लांट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको कलेक्ट करिए और जला दीजिए, पहला कंट्रोल है। नंबर टू है कि स्प्रेइंग डाइमिथाइलोट जो इंसेक्टीसाइड है 0.03% या मोनोक्रोटोफास 0.05% पर लीटर ऑफ वाटर में घोल करके इसको आपको स्प्रे करना है। दो तीन स्प्रे कर दीजिए, व्हाइट फ्लाई अगर मर जाते हैं तो कभी वायरस अपने ट्रांसमिशन नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ 481 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है, उसे कंट्रोल होते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी कुछ हम उगा सकते हैं, कौन कौन से? परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय, पंजाब, पद्मिनी, BO2, हाइब्रिड 6, ये कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसके ऊपर एलो बेन मोजैक का इन्फेक्शन नहीं के बराबर होता है या मिनिमम कल्टीवार स्वरूप में होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। तो सो बच्चों, आप इस टॉपिक को ध्यान दें, जो खास तौर से बीएससी है जी, जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओकरा एलो बेन मोजैक सबसे ज्यादा किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? व्हाइट फ्लाई के द्वारा। इन्फेक्शन जो होता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है, बाई ग्रेफ्टिंग की भी द्वारा होता है, सीड बॉर्न नेचर का पैथोजन होता है, हेबिस्कस वायरस इसको डिजीज को पास करता है, और पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1924 में, यील्ड लॉस 94% तक हो सकती है, जिससे हमारी सारी बहुत सारी क्रॉप डैमेज हो सकती है। उसको हमें बचाने के लिए सबसे पहले इंसेक्टिसाइड मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करना चाहिए, और बेमेसिया टाइप्सी कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा वायरस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू। माई चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।